के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं राहुल आर्य आज आपके लिए एक अपडेट लेके आया हूँ जो कि राजस्थान लोक सेवा आयोग की तरफ से है। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने कॉलेज लेक्चरर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अक्टूबर सितंबर में आयोजित बोटनी विषय की परीक्षा के लिए परिणाम घोषित कर दिया है और उस राजस्थान लोक सेवा आयोग की तरफ से उन कैंडिडेट्स के रोल नंबर भी जारी कर दिए हैं जो कि इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट हुए हैं। आप यहां पर देख सकते हैं कि कुल 196 कैंडिडेट हैं जिनके रोल नंबर यहां पर जारी किए गए हैं और अपनी स्क्रीन पर भी आप देख सकते हैं कि किन किन कैंडिडेट्स के जो रोल नंबर हैं उनको यहाँ पर सफल घोषित किया गया है इंटरव्यू के लिए। इन कैंडिडेट्स को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा जो कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तो जिन कैंडिडेट्स ने इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई किया है उनको अब 8 फरवरी तक ये वेबसाइट से फॉर्म डाउनलोड करके भरना है और सभी जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनके साथ अटैच करके 8 फरवरी 2022 शाम 6 बजे तक आयोग के कार्यालय में उसको भिजवाना है और उसके बाद आपके सभी डॉक्यूमेंट्स की वहाँ पर जाँच की जाएगी और अगर आप वहाँ पर पात्रता को पूरा करते हैं तो आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा और इंटरव्यू की जो तिथि होगी वो बाद में वेबसाइट के माध्यम से आपको बता दी जाएगी। अगर हम बात करें कट ऑफ मार्क्स की तो कट ऑफ जो है वो आप यहां पर देख सकते हैं। जनरल कैटेगरी की जो कट ऑफ है वो 106.03, ईडब्ल्यूएस की 106.03, एससी की भी 106.03, उसके बाद एसटी की 90.97, ओबीसी की भी 106.03 और एमबीसी जनरल की ये है 86.84। ये आप देख सकते हैं। ओरिजेंटल रिजर्वेशन में भी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक सर्विसमैन की किस प्रकार से यहाँ पर आई हुई है वो भी आप देख सकते हैं। तो ये थी आज आपके लिए अपडेट जो कि राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर की तरफ से था जो कि 28 जनवरी का नोटिस है और इसमें बोटनी विषय की जो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए परीक्षा हुई थी उसका परिणाम यहाँ पर घोषित किया गया है। इसी तरह की अन्य अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।